Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Y8 Health. दोस्तों सर्दियों का मौसम खाने पीने का लुफ्त उठाने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। सर्दियों में मौसमी सब्जी के भी बहुत विकल्प होते हैं। इसके अलावा सर्दियों में सब्जियों का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि ब्रोकली, पालक, मटर, मेथी, बथुआ, गाजर, चकुंदर जैसी चीजों में कैलोरी भी कम पाई जाती है और स्वाद में ये मजेदार भी होती हैं। दोस्तों सर्दियों में पालक, गाजर और मटर तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन एक चीज है जिसे आप नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है हरा चना। जी हाँ, हरा चना सर्दियों में डाइट में शामिल करने के लिए काफी हेल्दी फूड है। अगर अभी तक आपने हरे चने को अपने खाने में शामिल नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिए। हरे चने को कच्चा भी खाया जा सकता है और इसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, खून की कमी को करता है पूरा। दोस्तों हरे चने में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। अगर आपको भी खून की कमी रहती है तो अपनी डाइट में हरे चने को शामिल जरूर करें। नंबर दो, हड्डियों को बनाता है मजबूत। दोस्तों हरे चने में विटामिन पाए जाते हैं। नाश्ते में रोजाना हरे चने को इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और सभी काम करने में आसानी होती है। नंबर तीन, ब्लड शुगर कंट्रोल करें। दोस्तों एक हफ्ते में आधा कटोरी हरा चना खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं, तो अपनी डाइट में हरे चने को शामिल जरूर करें। नंबर चार, दिल की बीमारी। दोस्तों रोजाना आधी कटोरी हरे चने का सेवन करने से दिल मजबूत रहता है, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी घटता है, इसलिए आप अपनी डाइट में हरे चने को शामिल जरूर करें। नंबर पाँच, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। दोस्तों हरे चने में भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हमारी बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं, इसलिए आप अपनी डाइट में हरे चने को शामिल जरूर करें। नंबर छह, कमजोरी दूर करें। दोस्तों हरा चना प्रोटीन और मिनरल्स के अलावा विटामिन का अच्छा सोर्स माना जाता है। ये कमजोरी को दूर करता है और शरीर को ऊर्जा देता है, इसलिए आप अपनी डाइट में हरे चने को शामिल जरूर करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।